राजस्थान के पिलानी में राष्ट्रीय बौद्धिक मंथन एवं आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। पिलानी के बिरला ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। तो वहीं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू भी पहुंचे। स्वागत के बाद इंस्टीट्यूट में ही बनी गौशाला में मुख्य अतिथि पहुंचे, जहाँ उन्होंने गाय को चारा खिलाया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने कहा, ये इंस्टीट्यूट एक तपोभूमि है, यहाँ भारत की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। इस दौरान बिरला इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने अपने संबोधन में कहा कि सबसे पहला मंथन समुद्र पर किया गया था और नए संसद भवन में 75 फीट की एक मूर्ति बनाई गई है जो समुद्र मंथन पर है। वहीं 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, जिसको लेकर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा के भारत विकास की ओर बढ़ रहा है और लोगों का विश्वास भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। उन्होंने कहा कि आगामी 5 राज्यों में भी भाजपा की सरकार बनेगी। सबसे पहला और सबसे विशाल जो मंथन हुआ था वो था समुद्र मंथन। इस बात से आप सब वाकिफ होंगे और इसे मानते भी है। आज महाराज जी, हमें अत्यंत गर्व होता है, जब नया संसद भवन बना था तो उसमें 75 फीट लंबी एक मूर्ति बनाई गई है समुद्र मंथन की, जो आदरणीय माथुराम जी के पुत्र ने बनाई गई है, जो पिलानी के ही रहने वाले हैं। तो पिलानी का परचम संसद भवन तक पहुंचाने का काम किया है, मैं इसके लिए आपको भी हृदय से नमन और धन्यवाद देता हूँ। और हमारे प्रेमास्त संन्यास प्रिय नौ निहाल होनहार बालक, बल्कि उदीयमान है परमपिता परमात्मा के रूप बनकर के आए हुए हैं डॉक्टर मधुसूदन जी। बहुत प्यारा जीवन है, बहुत प्यारा व्यक्तित्व है आप। इस अल्पायु में मैं तुमको देख करके हृदय बड़ा गदगद होता है, प्रसन्न हुआ हूँ कि कैसे सुंदर भावों को, विचारों को जीवन में लेकर के चल रहे हैं। आज इतनी बड़ी सेवा इनके माध्यम से, हालांकि पूर्वजों ने जो की, बड़ों ने की सो की, लेकिन आज उनके नाम को और काम को ये 4 चांद लगा रहे हैं। पूरे देश में मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। आज ये अभी 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई, पूरा देश बहुत गदगद है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का परचम विश्व में लहरा रहा है, देश की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, देश विकास की ओर जा रहा है। और ऐसे विकास के क्रम में आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें स्वाभाविक रूप से मोदी जी के नेतृत्व में लोग अपना मत देंगे।